शिवपुरी जिले के पौरी थाना क्षेत्र के परासरी गांव में आदिवासी महिला की जमीन की मिट्टी की खुदाई को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जी हां, झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। इस झगड़े में आदिवासी महिला भी घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पौरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पौरी पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक परासरी गांव में यशोदा आदिवासी की जमीन पर गंधर्व गुर्जर कब्जा करके खेती करता हुआ चला आ रहा था, लेकिन इस बार गंधर्व गुर्जर यशोदा की जमीन से मिट्टी खोदकर गांव में चल रहे सड़क निर्माण में डालना चाहता था, लेकिन यशोदा आदिवासी ने जमीन पर से मिट्टी खोदने से मना कर दिया था। इधर यशोदा की जमीन के पास रामगोपाल गुर्जर एक गुमटी संचालित करता हुआ चला आ रहा था। आज गंधर्व गुर्जर के पक्ष की ओर से हिस्ट्री शीटर रहे रामबरन गुर्जर ने रामगोपाल से आदिवासी महिला को भड़काने के आरोप पर झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चल गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? कहाँ की हैं आप? परासरी। क्या हुआ ये आज एसपी ऑफिस के बाहर आपके घायल डले हैं, क्या हो गया? कौन ने मारा है? चला रहा है। कितने लोग थे? ये तो 10-12 थे। कौन समाज है? अच्छा, ट्रैक्टर कहाँ पे चला रहे थे? बजरी। बजरी रोड पे। मतलब विवाद किया था आपने? गांव में किस बात को लेके हुई ये लड़ाई? आप भी घायल हो? लगी क्या क्या हुआ था ये? अरे क्या कोई मशीन चल रही गड्ढे मट्टी में, गड्ढे में मशीन चल रही, तो जिनकी तो है नहीं सरकारी जगह में, तो कैसे चल रही रोड कटे का, तो इनने कई करी होगी, करी तो इनने मारा। कितने लोग थे वो? ये तो 10-12 लोग थे, ये दोनों थे। दोनों थे। क्या नाम इनके? मनीष और गंदरा। आपके कौन लगते हैं? बेटा है ये, मेरे मामा जी। अच्छा, तो ये रंजिश क्या थी? कुछ नहीं, रंजिश कुछ भी नहीं। कौन समाज के लोगों ने मारा है? रोड को काम चल रहा ना, ठीक है, सरकारी। हाँ, उस पे मशीन 3-4 दिन पहले से चल रही थी। वो तो खबर क्या है उनको, क्या लड़ाई हुई है? काई काई से मारा है? एक कुछ तो कुल्हाड़ी लेके दिखे, हम आए ना जब तक तो कोई भी नहीं मिला वहाँ। तो ये एसपी ऑफिस क्यों डाला है आप लोगों ने? ये आए पुलिस थाने गए, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लग रही, वे बोल रहे थे दोनों को बांध ले आओ। और एक मामी जी है ना, वो ने होश में थी, ये गंभीर थे, बोल नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा, इसलिए लेके आए हो? LMLC का करवाएंगे, वो ले जा नहीं रहे, वहाँ गाड़ी गई तो फिर वापसी भेज रहे, फिर भगा रहे, 4 बार हो गए, 9 बजे के बाद हॉस्पिटल डाले, इसलिए लाए। क्या नाम आपको भैया? राम अवतार गुर्जर। इनका ट्रैक्टर चल रहा था गंधर सिंह का, गंधर ये घायल है जो? हाँ, जो घायल है। और एक और घायल कौन है? दो मनीष है उनका लड़का, और ये महिला भी घायल है। हाँ, महिला उनकी। क्या नाम महिला का? बुरी। बुरी भाई, गांव के लोग 2-3 लोग आए, गाली देने लगे कि यहाँ रोड पर नहीं चलाएंगे, हमें ट्रैक्टर चलाएंगे या सब ऐसा इनसे आपस में, तो ट्रैक्टर भजाओ, जिनने भी कुछ कहा होगा आपस में, आगे इनमें लट भर दे पूरे घर में, इनकी ये और असूमित मारी है। अच्छा, और वो कहा पुलिस से उनने 60-80 कर ली, 2 घंटे हमको हो गए वहाँ थाने पे, 10 बजे हम हॉस्पिटल आ गए थे, हॉस्पिटल से मैंने बोली थाने पे जाओ, थाने पे 10 बजे जाओ, 4 चक्कर मेरे इधर इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामवरण है, मैं इनका भाई है छोटा। विवाद का कारण क्या रहा? ट्रैक्टर चल रहा था जो, ट्रैक्टर मिट्टी उठाने का काम है, चलेंगे हमारे, तुम्हें नहीं चलने देंगे, सरकारी के काम में चल रहा, सरकारी काम में ठेकेदार के यहाँ, ठेकेदार भी आ रहा है अभी। अच्छा, ठेकेदार तो वैसे पेटी पे मैंने काम ले रखा, मेरे पास फाइल है। कितने लोगों को मारने के नाम क्या है? उनके नाम क्या है? जी मारने वाले इनके, मारने वाले इनके रामगोपाल और मेहरवान दुर्ग सिंह और अनेक सिंह सुबरान और 2-3 ग्राम शंकर 4-5। क्यों ये विवाद जो काम चल रहा था, किसी योजना के तहत चल रहा था? वो प्रधानमंत्री पीएम तो ये क्या चाह रहे थे कि हम काम करेंगे? हम करेंगे, हम तुम नहीं करेंगे। और जो इन लोगों को मारा, इनके नाम क्या है? इनके नाम गंधर्व मनीष। आश्वासन मिला साहब ने, क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? कहीं काम ही करेंगे उन पर। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल के लिए बता रहे हैं, इलाज करवा के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामबरन। कौन हो आप? मैं भाई इनका छोटा छोटा भाई, पेटी पे काम मेरे पे है जी।